नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, देखिए। हमारी दंडिक न्यायिक प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक आमूलचूल परिवर्तन कर लंबे समय तक सिटीजन सेंट्रिक बनाने का प्रयास, और मैं चाहता हूं कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, अपने सुझाव दे और एक प्रकार से तीनों कानूनों को कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा आग्रह है कि कोई भी कानून तभी समाप्त परिपूर्ण होता है, कोई भी कानून तभी अच्छा बन सकता है जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मन से किया जाए। इसको हमने संसद की भी साइट पर है, गृह विभाग की भी साइट पर है, मैंने बार काउंसिल को भी पत्र लिखकर भेज दिया है, ढेर सारे न्यायमूर्तियों को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कानून बनने की प्रक्रिया का आप भी हिस्सा बने, क्योंकि जो डे टू डे दिक्कतें आने वाली है उसको आप ज्यादा समझ सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, फॉरेंसिक साइंस को एक उचित सम्मान देना पड़ेगा, और हम सब ने संकल्प करना पड़ेगा कि देरी न्याय के लिए ठीक नहीं होती है। न्याय, सच्चा न्याय वही होता है जो समय पर उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए हम सब ने साथ में आकर काम करना पड़ेगा। एक प्रकार से आज मुझे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इश्यू पर बोलना चाहिए था, परंतु ये मेरे इस तीनों कानून को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरा स्वयं का भी एक आग्रह है, प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, तो मैंने ज्यादा समय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लिया है, इसलिए थोड़ा तो आप लोगों को, मैं आप सबसे विषय को भी डाइवर्ट किया है और विषय को लिमिटेड एरिया को ही मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है, मगर मुझे लगता है कि ये जरूरी था। मैं फिर से मनन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसे समय पर इन्होंने इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस की है, जिस समय पर भारत पूरे विश्व में एक आगे बढ़कर विश्व की हर समस्या का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस समय ये इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने हमारी न्याय प्रक्रिया को विश्व के सुसंगत बनाने के लिए बहुत अच्छा फोरम दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।